अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं लाइट के ऊपर के वीडियो के अंदर आपकी लाइट कैसी होनी चाहिए। तो ये जिस तरह से आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल लाइट जो है वो एग्जैक्टली जो है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त लाइट आ रही है। तो लाइट जो है वो आपके कैमरे के बीच बिल्कुल पीछे होनी चाहिए ताकि एग्जैक्ट लाइट जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आए, तो लाइट जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन अगर आप जो है वो लाइट को अबव प्लेस करते हैं या बैक साइड पर प्लेस करते हैं, जैसे मैं अभी कैमरे को दिखाता हूँ कि ये जो है वो लाइट अभी मेरे बैक साइड पे आ गई है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि कितनी वीडियो की क्वालिटी एकदम से बिल्कुल जो है वो डाउन हो गई है, कोई उसका रिजल्ट का मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि लाइट उसकी प्रॉपर नहीं है। आप देखें, ये लाइट जो है बिल्कुल फ्रंट पे आ रही है। अब जब फ्रंट पे लाइट आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी वीडियो बनती है, आपकी वीडियो सही तरीके से कैप्चर करती है, क्योंकि ये कैमरा है। तो कैमरे को आपने उसको समझना है कि कैमरे की क्या अल्गोरिथम है, किस तरह से कैमरा वर्क करता है, कहाँ से हम उसको किस तरीके से किस जगह से लाइट अगर देंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो है वो बनाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइट को अपने समझ आई है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, यूट्यूब पर काम करने के हवाले से, तो मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।